गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है 10 और मेरे हस्बैंड आज स्कूल नहीं गए हैं। तो मंथ की स्टार्टिंग में मैं पूरा महीना का ग्रोसरी शॉप में कर लेती हूँ। हालांकि मैं अकेली ही जाती हूँ, लेकिन आज वो घर पे है इसीलिए बोल रहे हैं कि चलो दोनों मिलके एक साथ कर लेते हैं। और जाते जाते मैं अपना सिटी बैंकूरा का झलक थोड़ा सा आपको दिखाते दिखाते जाऊँगी। और हालांकि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ नहीं है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ झारखंड हजारीबाग, फिर भी इस शहर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक पीसफुल शहर है। ये देखिए, यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये हुआ नहीं है। और ये मेन रोड है, बांकुड़ा से हर एक जगह का रोड जो है वो कनेक्ट होता है, कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया और भी कई जगह। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है और ये फ्लाईओवर इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा रश ना हो। और बात करते करते हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। ये है बैंकुरा बाज़ार और ये एक मॉल, छोटा मोटा एक मॉल जैसा है। और ये मेरे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी यहीं पर आती हूँ क्योंकि एक छत के नीचे मुझे सब कुछ मिल जाता है, घर का सामान और एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है, सब कुछ, हर एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल जाता है। इसलिए जब भी मैं मंथली बाज़ार करती हूँ मैं यहीं पर आती हूँ और यहाँ आके और दूसरी जगह मुझे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक छत के नीचे मुझे सब कुछ मिल जाता है। हालांकि घर में किचन का डिपार्टमेंट मेरा ही है, मैं अकेली सब कुछ करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि क्या चीज़ लाना है और क्या चीज़ ख़त्म हो गया है और क्या चीज़ नहीं लाना है। तो मुझे अलग से लिस्ट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैं माइंड में सेट कर लेती हूँ क्या क्या चीज़ ज़रूरत है और क्या क्या नहीं। मैं उस हिसाब से सब, क्योंकि मॉल में ये एक सुविधा होता है कि आपके आँखों के सामने सब कुछ चीज़ रहता है, तो अलग से लिस्ट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको देख के ही सब कुछ याद आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ लेना है और क्या नहीं। और ये देखिए, मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था कि कैसे आप इस तरह की हुक खरीद के आप वॉल में स्टिक कर सकते हैं। ये हैंगिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हैं। और मुझे कुछ क्लिप भी लेना है, कुछ हैंगर भी लेना है। और घर का जो सामान है करीबन मैंने ले लिया है और फिर भी देख रही हूँ कि कुछ बाकी रह गया है कि नहीं। और जैम, जेली, मेयोनीज़, सॉस, मतलब ये सब तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे अगर रोज़ स्कूल जाते हैं तो झटपट टिफ़िन बनाने के लिए ये छोटा मोटा चीज़ ना बहुत ज़्यादा काम आता है। ये सब चीज़ मैं हर महीना नहीं ख़रीदती हूँ, बस एक बार ख़रीदने से 2 महीना करीबन चल ही जाता है। और ये सब मैं स्टॉक रखती हूँ ताकि मुझे आसानी हो अगर कुछ एक्स्ट्रा और कुछ डिफरेंट खाना अगर बनाना हो तो। और मुझे कुछ केक लेना है क्योंकि न्यू ईयर में मैं गिफ्ट देती हूँ केक, तो यहाँ का केक हस्बैंड बोले कि मत लो, यहाँ चट्टल एक बेकरी है, बहुत ही अच्छा फ्रेश केक मिलता है और यहाँ से मैं बटर और चीज़ उठा लेती हूँ। तो जाते जाते बेकरी शॉप में मैं केक ख़रीद लूँगी क्योंकि मुझे गिफ्ट करना है कुछ। और ये बटर का पैकेट मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसलिए मैंने नहीं लिया, ये अमूल लाइट जो है मैंने उसी को चूज़ किया। और इधर है गरम मसाला का काउंटर और मैं आपको एक मसाला दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है बिरयानी का मसाला और इस छोटी सी डिब्बी में बिरयानी में लगने वाले जो भी मसाले हैं ना, सब इसमें रहता है। और एक छोटा सा एक शीशी भी है, उसमें मीठा अतर है, तो मैं ये हमेशा लेती हूँ। और इधर से मैं थोड़ा एक पैकेट ओट्स का मैं ले ली हूँ क्योंकि मेरा घर में ओट्स ख़त्म हो गया है। और इधर रहता है फ्रोज़न काउंटर है ये वाला, यहाँ पर जो भी फ्रोज़न चीज़ है यहाँ पर रहता है। और इधर हो गया है और मेरे हस्बैंड उधर बिल कर रहे हैं। सोच रही हूँ कि जाते टाइम रिलायंस स्मार्ट में भी थोड़ा सा घूम के आऊँ क्योंकि वहाँ ऑफ़र चलता है, वो भी नज़दीकी है, इसके बगल में है। तो ये देखिए, ये है रिलायंस स्मार्ट और मैं यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं और देखती हूँ यहाँ पर मिलता है कि नहीं। और थोड़ा सा इधर उधर भी देख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ऑफ़र बहुत चलता है, मतलब बाय वन गेट वन बहुत ज़्यादा होता है और तेल ये सब भी बहुत सस्ता होता है। लेकिन छोटा सा फैमिली में इतना तेल इतना कुछ मतलब रखने का जगह होता नहीं है, इसलिए मैं लेती हूँ। तो ये देखिए, मुझे मिल गया है फ्रोज़न कॉर्न और भी बहुत चीज़ रहता है फ्रोज़न का, तो फ़िलहाल मुझे यही चाहिए तो मैंने ले लिया। और ये देखिए, यहाँ पर आप पैकेट चीज़ भी ले सकते हैं और ऐसे लूज चीज़ भी ले सकते हैं।
और मैंने यहाँ से रॉक सॉल्ट और जगरी और फ्रोजन कॉर्न ये तीनों ले लिया है। और चलिए यहाँ से निकलते हैं, फिलहाल काम आज के लिए ख़त्म। तो चलते चलते मैं बांकुड़ा के बारे में थोड़ा सा और बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, स्कूल, हर एक चीज़ यहाँ पर है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और बांकुड़ा में बनने वाले मिट्टी और लकड़ी का घोड़ा और टेराकोटा, ये तो मतलब इंटरनेशनल फेमस चीज़ है, सब कोई जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए ये है फ़िलहाल मंथली बाज़ार, चलिए मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो आज के लिए बाय बाय।